सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक आप घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। आज मैं आप लोगों के सामने एक बढ़िया सा वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकर के आ रहा हूं। वो है हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वेयर वोलेटाइल। ओके, आज जो है हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा जबकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। तो आइए उसको हम शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले चीज हम लेंगे सॉल्यूशन। बच्चों, सॉल्यूशन के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। एक जो होता है कम मात्रा में जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहां पर सॉल्यूट जो होगा वह नॉन वोलेटाइल होगा। यह सॉलिड होगा जबकि सॉल्वेंट होगा वह वोलेटाइल लिक्विड होगा। ओके, कल आप लोगों को बताया गया था कि जो सॉल्यूट होता है उसके लिए हम बी एक्सप्रेस करते हैं, बी के द्वारा सॉल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं और सॉल्वेंट को ए के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। जो सॉल्यूट होगा मोस्टली जो है सॉल्यूट हमारा यूरिया आता है। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। दूसरा होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 180। और तीसरा होगा सुक्रोज, कॉमनली यही आप लोगों को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन मिलेंगे। इनका फार्मूला होता है ग्लूकोज सुक्रोज का C12H22O11, मॉलिक्यूलर फार्मूला 342। कल गलती से 340 में बोल दिया था, सो यू हैव टू मेक चेंज देयर। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज इज 340 नॉट 340। ओके, अच्छा उसके बाद जो है आपको बच्चों, ये चूंकि सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है अर्थात इसकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वह जीरो होगा। अब ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट डालेगा, ओके ये आपको जानना है। तो वोलेटाइल हमारा जो लिक्विड हो सकता है वह वाटर हो सकता है, साथ ही साथ मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है और टालुइन हो सकता है। ओके, तो अब देखना यह है कि हमारा जो सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो तो होता ही है क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी होती है वेपोरेट होने की, लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर ओरिजिनल वाला बना रहता है या बढ़ जाता है पहले से या कम हो जाता है पहले से। ओके, ये आपको स्टडी करना है, सो नोट कर लें इसको इतना। ओके, विराज करें, ठीक। अब हम बनाते हैं, यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। इस ये जो है हमारा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट जो है हमारा वोलेटाइल है, या कह लीजिए वोलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम कहेंगे P नॉट ऑफ ए, है क्या
वेपर प्रेशर ऑफ फ्लोर। ओके, मान लीजिए कि इसमें हम मिला देते हैं एक नान बोला था, एक सजीव नान नान बोला टाइम सॉल्यूट मिला देते हैं, मिलाने पर एक सोल्यूशन बनेगा। ओके, सोल्यूशन बनेगा जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट के भी कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी जो नॉन वोलेटाइल है ये क्या करेगा, एक के इवेपोरेशन को कम कर देता है, अर्थात जो वेपर्स बनते हैं वो कम बनने लगते हैं। ओके, इस स्थिति में यहाँ पर जो प्रेशर बनता है उसको पी ए कहते हैं। क्या कहेंगे, पी ए, ये क्या है, सोल्यूशन। ओके, पी प्लस बी, पी ए क्या है, पी ए इक्वल टू पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ओके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि पी ए इज ग्रेट स्मॉल देन लेस देन पी नॉट ऑफ वी। ओके, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये राउट्स ला है, क्या है ये, राउट्स ला। चलिए, इसके लिए हम बस ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर। ओके, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, पहले से घट जाता है। ठीक, इसको नोट करिए, इरेज करूं। एक और चीज फिगर बना देता हूं, ये सही है। ओके, ये सोल्यूशन है आपका ए प्लस ये और बी का सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो राउत ने क्या लिखा था कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। राउत्स ला, राउत्स मीन्स इन ए सोल्यूशन, इन ए सोल्यूशन, इन ए सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, इनवर्ट राउट्स ला ये है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है ये भी जान लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला सबको मालूम है। ओके, तो इस फार्मूले से जो है हम कैलकुलेट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि पी ए इस इक्वेशन को ले लें, अभी यही पढ़ेगा पी ए इधर यदि हम यहाँ पर कांस्टेंट के लगा दें तो पी ए इक्वल टू के यदि मान लीजिए कंसीडर कर किया जाए कंसीडर प्योर ए तब क्या होगा उस कंडीशन में जाइए इक्वल टू वन हो जाएगा और उस कंडीशन में पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू वन अर्थात पी नॉट ए इक्वल टू के। इस के को के के वैल्यू को यहाँ पर हम रख दें तो मिल जाता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। ओके, जीटा ए पी ए क्या है ये देख लो। यहां से पी ए क्या है पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पी नॉट ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड जाई ए जीटा ए मोर फ्रैक्शन ऑफ ए मोर फ्रैक्शन। ओके, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। इरेज करूं ठीक। अभी हमने देखा कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए जीटा देखा ठीक है। अच्छा, हमारे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए जो है सॉल्वेंट है आप जानते ही हो, बी सॉल्यूट है। इसके नंबर ऑफ मोल्स एन ए होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स एन बी होंगे। ओके, तो इनका मोल फ्रैक्शन जीटा ए होगा और इनका मोल फ्रैक्शन जीटा बी। तो किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फॉर एनी बाइनरी सॉल्यूशन फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी इक्वल वन या
जीटा ऑफ ए इक्वल टू वन माइनस जीटा ऑफ बी। ओके, अब हमको ये फार्मूला यहाँ पर रखना पड़ेगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू वन माइनस जीटा ऑफ बी। ओके, या पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए जीटा बी। इसको इस चार्ट में लेते हैं, वो क्या जाएगा, पी नॉट ऑफ ए जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इक्वेशन इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओरिजिनल में से निकल गया, कम हो, कितना कम हुआ उसी को लोअरिंग कहेंगे ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेट करेंगे उसको ओरिजिनल वाले वेपर प्रेशर से रिलेट करेंगे, अर्थात पी नॉट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स में, हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए जीटा बी बाई पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ऑफ ए। मिलेगा जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ऑफ ए। ओके, इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमारे पास दो फार्मूले हो गए, ये फार्मूला ये हो गया और ये फार्मूला ये हो गया। इन दोनों फार्मूला से जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है बच्चों, यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको नोट कर लीजिए, अभी फिर आप लोगों को बताता हूं। ओके, मिटाऊं? ठीक है, मिटा देते हैं। हमको एक फार्मूला मिला पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, और दूसरा मिला पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू जीटा बी। ये दो फार्मूले हमको मिले हुए हैं और इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है बच्चों, इसको पहले डिफाइन करता हूं। आइए, इसको डिफाइन करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। Properties of solution which depend upon number of solute particles, not depend upon nature of solute particle, not depend upon nature of solute particles.
ओके, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों फोर होता है, आप लोगों को इस सिलेबस में है, देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों में है। पहला है आप लोगों का रिलेटिव लोअरिंग, इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर बच्चों मैं जो बात कर रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, कैसे होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट की बात आएगी तो वहां पर वांट होप फैक्टर भी प्ले में आ जाएगा, ठीक है। तो वांट होप फैक्टर अभी नहीं, आप लोगों को आगे बताया जाएगा। तो ये हो रहा आपका पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें ये दे देगा वेपर प्रेशर, दूसरा दे देगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तीसरा दे देगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और चौथा देगा नन ऑफ दिस। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थैंक यू वेरी मच।